ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे और उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और इसे हम लोग पिछले क्लासेस में ये पढ़ रखे हैं। यहाँ पे थीटा क्या होता है रेडियन, और एल क्या होता है आर्क लेंथ, और आर क्या है रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, ये हमने पिछले क्लासेस में बता रखे हैं। और ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया और ये सब नहीं अगर मालूम है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के उसको देखें, ठीक है। और भी यहाँ पे मिनट, ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री, ठीक है, कि डिग्री को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है, ये मिनट है, और फिर से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सेकेंड, और ये कुछ फॉर्मूले हम लोग आज यूज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में स्कूल में। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा यहाँ पे रेडियन में होगा, एल आर्क लेंथ और आर रेडियस ऑफ सर्किल, और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया 25 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो सिंपल देखो ये हम लोग फॉर्मूला बस यूज करेंगे कि यहाँ पे अगर डिग्री दिया है तो यहाँ पे भी हम लोग डिग्री लिख लेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और रेडियन को हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है, रेडियन का मतलब सी और डिग्री को ऐसा लिखते हैं, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 यहाँ पे 1 में कितना होगा, 1 डिग्री में, अगर 180 में पाई है तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन 1 डिग्री में, तो 25 डिग्री में, 25 डिग्री में हो जाएगा, 25 डिग्री में हो जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 25 रेडियन, ठीक है, और ये आ जाएगा 25 से, तो ये डिवाइड होगा नहीं, 25 और ये हो जाएगा 47 भी नहीं, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 36, ठीक है, 5 3 15 और 3 और 6 36, तो 5π/36 रेडियन, रेडियन लिखो या यहाँ पे रेडी, ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम करना, देखो -47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट, और ये माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में होता है और क्लॉकवाइज निगेटिव में, अगर कोई अगर एंगल अगर है और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे और ये एंगल अगर बनेगा तो प्लस थीटा, और अगर ये अगर इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये माइनस थीटा, ठीक है, तो ये थीटा का प्लस है या निगेटिव है इसका मतलब क्या है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर प्लस है तो इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट, देखो यहाँ पे घड़ी 3 फिर 2 फिर 1 फिर 12, और ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब 3 के बाद 4 फिर 5 6 7, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अब क्लॉकवाइज निगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, राइट है। चलो तो अभी इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये एंगल जो है 47 डिग्री और 30 मिनट, इसको कैसा चलना है, माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया कि इसको चलना है कैसा, क्लॉकवाइज, तो माइनस को तो अभी हम लोग हटा भी सकते हैं, लास्ट में तो लगा लेंगे, तो 47 डिग्री और 30 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मिनट को हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में, तो सिंपल सा अगर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कौन सा, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो यहां से 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, और यहां से 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 × 30, और ये कितना हो गया 1/2 डिग्री, ठीक है, तो 1/2 डिग्री, तो यहां पे हम लोग रख लेंगे 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, अभी इन दोनों को हम लोग सिंपल प्लस कर लेंगे, तो 47 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, तो 47 का डबल 94 और प्लस 1, तो 94 प्लस 1 अपॉन में 2, और ये हो गया डिग्री, ठीक है, ये एलसीएम लेने आता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 2 × 1 = 2, और ये 47 का डबल और ये 1, तो कितना आ गया 95 अपॉन में 2, और ये हो गया डिग्री। अभी इसको रेडियन में हम चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, तो इसको रेडियन में अगर चेंज करना है तो 95
अपॉन में टू और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 और ये हो गया रेडियन। ठीक है, सी लिखो यार रेडियन। ठीक है, तो हम सिंपल क्या याद रखना है कि अगर रेडियन में अगर चेंज करना है तो ऊपर पाई रहेगा। ठीक है, रेडियन में अगर चेंज करना है तो ऊपर पाई और डिग्री में अगर चेंज करना है तो ऊपर 180 रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, तो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 में ही कैसे पूछा जाता है, चेंज करना रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में। अभी हम लोग क्या बनाए थे, डिग्री से रेडियन में हम चेंज करना सीखे थे, अभी रेडियन से हम डिग्री में। तो सिंपल हम लोग यही वाली फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। अभी देखो निकाला क्या है, डिग्री तो हम लोग डिग्री उधर रखेंगे। ठीक है, 180 को उधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। ठीक है, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे ना पाई का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, पहले हम लोग देख लेते 4 में कितना होगा, तो 1 रेडियन में इतना, तो 4 रेडियन में, 4 रेडियन में हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू 4 और ये हो गया डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7। और हम लोग जब भी हम लोग डिग्री में एकदम चेंज करेंगे तो पाई का वैल्यू रखेंगे लेकिन रेडियन में नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियन पाई में ही होता है। ठीक है, रेडियन 1 पाई, ठीक है 2 पाई, 3 पाई, ऐसा रेडियन पाई में होता है। ठीक है, ये हो गया 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन, 7 पाई रेडियन। लेकिन डिग्री एकदम कैसे होता है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री हम लोग कैसा होता है, डिग्री में पाई तो होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू रख लेंगे, तो 180 इंटू 4 और ये हो जाएगा पाई का वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो 22 और अपॉन में 7, मतलब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, इतना तो मालूम है। ठीक है, तो 22 अपॉन 7। ठीक है, ये 22 नीचे और ऊपर 7, तो 22 अपॉन में 7। अभी इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 से और ये 2 से काटेंगे तो 11, तो अब कितना आ गया 5 2 और ये 7 2 14 और 18 तो हो गया, 0 छूट रहा है तो 0 यहाँ रख लेंगे अपॉन में 11 और ये कैसा आएगा डिग्री में। ठीक है, चलो तो ये तो आ गया डिग्री में। अभी क्या होता है, डिग्री फिर से मिनट और सेकेंड में डिवाइड होगा, तो कैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 से ये 2520 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लो 11 से, जब डिवाइड करेंगे 2520 को तो 11 2 22 और फिर से 3 और 2 32 और 32 बार में फिर से 2 बार में 22 और लग गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ये जब हम लोग इसको जब हम डिवाइड किए तो क्या आया 29 अपॉन में, नहीं ये प्लस 1 अपॉन 11, ये तो आता ना लिखने। ठीक है, डिग्री इतना डिग्री हो जाएगा, ये तो मालूम है, सिंपल क्लास 10th में ना पढ़ रखे हैं कि अगर हम लोग 5 से अगर डिवाइड करेंगे 11 को तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 और 1 बच गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटीजर 1 बाई 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन में 5। ठीक है, और बीच में यहाँ पे हम लोग प्लस भी तो लगा सकते हैं, तो 2 प्लस 5 बाई 5 1 बाई 5, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा लिख लेंगे 229 प्लस 1 बाई 11। अभी वापस से, अभी ये तो ना परफेक्ट डिग्री में हो गया, तो इसको तो लिख लो 229 डिग्री और प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री को, 1 अपॉन 11 डिग्री को फिर से हम चेंज करेंगे, हम लोग 1 अपॉन 11 डिग्री को चेंज करेंगे कैसा, मिनट में। ठीक है, तो 1 अपॉन, देखो तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, 1 अपॉन 11 है तो 1 अपॉन 11 डिग्री को मिनट में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में तो इतने में क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 60, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55 और ये हो गया 5, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 बाई 11। ठीक है, और ये मिनट, मिनट। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके 11 5 जा 55
प्लस फाइव, 55 प्लस 5 60 हो गया, 11 5 55 प्लस 5 60, और ये 16 टू 160 अपॉन में 11, ठीक है, तो 60 अपॉन में 11 आ गया। मतलब क्या है, पहले ये पूरा डिग्री में आया तो इसको हम लोग डिवाइड करें, तो वापस से ये 229 डिग्री, और ये 1 अपॉन 11 जो हम डिग्री आया है ना, फिर से इसको हम लोग डिग्री से मिनट में एकदम चेंज करेंगे, तो 1 अपॉन 11 डिग्री में क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये इतना आ गया। फिर से इसको हम लोग सेकेंड में ले जा सकते हैं, कैसे ले जा सकते हैं, तो 5 मिनट, ये तो हो गया परफेक्ट, तो 5 मिनट प्लस 5 अपॉन में 11 मिनट, और इसको सेकंड में हम ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, अभी देखें कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 सेकंड, बस आप नहीं ले जाना है, तो 5 मिनट प्लस ये फिर से कितना आ जाएगा, ये 6530 प्लस 0 300 डिवाइडेड बाई 11, तो डिवाइड कर सकते हो 11 2 22, और ये 70 और 666, ठीक है, तो ये 26 पॉइंट समथिंग, डिसिमल के बाद कुछ आएगा, ठीक है, 20 ये 6 के बाद 4, ठीक है, तो 26.3, तो इसको लिख सकते हो, डिवाइड कर लेना आप लोग 26.3 सेकेंड, तो ये पूरा जो इसका आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 229 डिग्री, फिर कुछ भी नहीं यहाँ पे, कोई कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, 229 डिग्री, और फिर यहाँ पे 5 मिनट, और ये 26.3 सेकेंड, ठीक है, जैसे आप लोग जाते होंगे कुछ खरीदने, तो कैसे कि 5 kg, 200 ग्राम, फिर से इतना मिलीग्राम, ठीक है, तो वैसे केजी, ग्राम और मिलीग्राम, ये सिंपल वैसा है, ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकेंड, उससे छोटा छोटा यूनिट है। तो बस ये एक क्वेश्चन हमने करा दिए, ऐसा ही कोई सा भी एकदम क्वेश्चन दिया जाए आप लोग बना लोगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो एक और हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, ठीक है, एक व्हील जो है, ठीक है, एक गोल चीज पहिया, ठीक है, वो 360 बार घूम जाता है एक मिनट में, तो एक मिनट में अगर वो 360 बार अगर घूम जाता है तो एक सेकेंड में कितना घूमेगा, ठीक है, तो 360 रिवोल्यूशन मतलब कि 360 ये राउंड राउंड ऐसा लगा लेता है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि अगर 1 रिवोल्यूशन अगर करेगा तो 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री यानी 2π, ठीक है, अगर कोई भी चीज अगर एक चक्कर अगर लगाएगा तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, 2π 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन में वो एंगल बनाएगा सेंटर पे 2π, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन में, तो अभी हम लोग तो 360 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, 2π मल्टीप्लाई 360, ठीक है, और ये हो जाएगा 200 और 6 2 3 6 7 720π, ठीक है, तो ये इतना पाई 360 रिवोल्यूशन में मूव कर गया इन 1 मिनट, ठीक है, तो एक मिनट में ये इतना रेडियन बनाता है, ठीक है, तो एक मिनट में तो कितना एक सेकेंड में बनाएगा, ठीक है, तो वही अपने को बताना है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि देखो 1 रिवोल्यूशन में एक चक्कर में 2π, तो 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो इतना जो गया, ठीक है, इतना एंगल बनाया ना, इतना रेडियन, तो ये इतना रेडियन कितने देर में ना बनाया है, 1 मिनट में, तो इसीलिए 1 मिनट इज इक्वल टू 720π रेडियन, ठीक है, मतलब एक मिनट में उसने इतने रेडियन एंगल बनाए हैं, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 720π रेडियन, और 1 सेकेंड में डिवाइड कर लेंगे तो 720 डिवाइडेड बाई 60π, और इसको रेडियन में लिखेंगे सी या रेडियन, ठीक है, तो सिंपल, अभी तो ये डिवाइड तो हम हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, फोर्थ वाला है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, की एक सर्किल दिया है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है, तो एक पहले एक सर्किल एक बना लो, और जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा
20 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना? डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है? तो रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस और ये भी रेडियस, और ये अपना सर्किल का सेंटर ओ। अभी क्या बोला, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड क्या होता है, ये, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितना था, रेडियस 20, और ये भी दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हो कि अगर रेडियस, अगर मतलब ये वाली डिस्टेंस कितना है 20, और ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर, और नीचे जो है कॉर्ड का लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? अभी ओ ए बी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल क्या होता है, सब 60 डिग्री, तो इसलिए एंगल ओ कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल बना दिया 60 डिग्री, क्योंकि ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर कोई अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंटर पे एंगल 60 डिग्री। अभी अपने को मिल गया थीटा 60 डिग्री, ठीक है? इसको हम लोग चाहे तो रेडियन में भी हम चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 60 × π/180 रेडियन, ठीक है? π/180 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया रेडियन में। अभी थीटा मिल गया, तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, और थीटा कैसा होगा रेडियन में, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है, देखो थीटा इज इक्वल टू L/R हम लोग जानते हैं पहले से, तो थीटा का यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे 60 × π/180 इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू L, L नहीं मालूम है, वही निकालना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर, आर का लेंथ निकालना है, तो L अपॉन में आर, रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस दिया 20, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं काफी इजी है, ठीक है? तो एक और हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और आगे इस टाइप के क्वेश्चन और भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ये किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? काफी इजी भी है। देखो द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, मतलब एक घड़ी है उसका मिनट हैंड जो कि है 1.5 मीटर लेंथ, मिनट हैंड, तो पहले तो एक अपने को वॉच बनाना होगा, घड़ी, और इसका जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना है 1.5, तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो हो गया 1.5 मीटर, ठीक है? अभी क्या बोला, हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट, ठीक है? कि 40 मिनट में ये कितना मूव करेगा, यहां क्या बोला गया है कि जो ये मिनट वाला जो हैंड है, ठीक है, ये मिनट वाली हैंड, और यहां से ये जब चलना जब स्टार्ट करेगा, तो यहां से ऐसे चलते चलते वन राउंड जब एकदम मूव करेगा, तो वन रिवोल्यूशन जब एकदम करेगा, तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जब ये कर लेगा, ठीक है, वन राउंड जब ये कर लेगा, तो एंगल कितना बनाएगा 360 डिग्री या 2π रेडियन, 2π रेडियन, ठीक है? तो अगर हम लोग किसी भी अगर सर्किल में अगर वन राउंड अगर मूव कर जाते हैं, तो जितना हम लोग एंगल बनाएंगे यहां पे सेंटर पे, वो एंगल होगा 2π रेडियन, 360 डिग्री, ठीक है? तो वन रिवोल्यूशन में इतना जब हम लोग बनाएंगे, और वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये मिनट वाले हेड को कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 2π रेडियन, 2π रेडियन, तो वन मिनट में 2π/60 रेडियन, सिंपल कैलकुलेशन है कि वन रिवोल्यूशन में 2π, और वन रिवोल्यूशन करने में इसको वन राउंड मूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में 2π रेडियन, तो 1 मिनट में 2π/60, अभी बोला गया 40 मिनट में, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट इज इक्वल टू 2π/60 × 40, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये 1 मिनट में इतना है, तो 40 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया, ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, और ये 2 से भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 2 से 3, यानी ऊपर बचेगा 4π/3, 4π/3, ठीक है?
तो 40 मिनट में जो हम एंगल जो हम बनेगा थीटा वो कितना बनेगा, 4π/3 रेडियन। ठीक है, मतलब ये जो वॉच की जो मिनट वाली हैंड है वो यहां से चलना शुरू करेगी और 40 मिनट में कहाँ पे आएगी, 6 पे तो आएगी, 3 पे मालूम है ना, 6 पे जब आएगी तो 30 बनाएगा, ठीक है 30 मिनट। लेकिन यहाँ पे जब आएगी 7 पे तो 35 मिनट, जब 8 पे जब हम जाएगी तब 40 मिनट, फिर से 9 पे जाएगी तो 45 मिनट, ये तो मालूम है। ठीक है, तो ये फिर से 12 पे जाएगी तो ये 12 से जब चलना मूव करेगी तो जैसे ही 6 पे आएगी तो 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 पे जाएगी तो, 7 पे जाएगी तो 35 और 8 पे जाएगी तो 40 मिनट। मतलब ये जो मिनट वाली जो हैंड है वो यहां से यहां तक गई, तो वो एंगल कितना बनाई, ये एंगल, तो ये जो एंगल है थीटा, तो वो थीटा कितना बनाई, 4π/3। समझ गया बात को। अगर बोला जाता कि वो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी या फिर 5 सेकेंड में कितना बनाएगी, 1 सेकेंड में कितना बनाएगी, तो सब हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल ऐसे ही। अगर हम पूछा जाता कि 5 सेकेंड में कितना निकालेगी तो बता सकते हैं ना कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना, 60 सेकेंड में जो हम सेकेंड वाली जो हम हैंड है, सेकेंड वाली हैंड, वो 60 सेकेंड में क्या होगा, 1 राउंड, यानी कि 2π, यानी 1 सेकेंड में कितना, 2π/60, और 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना रेडियन, तो 5 सेकेंड में भी बता सकते हैं। समझ गए आपको। तो ऐसे सिंपल यूनिटरी मेथड से यूज करके आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। राइट, तो ये बन गया थीटा, थीटा मिल गया। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, यही फॉर्मूला यूज करना। तो थीटा की जगह तो मिल गया, मिनट हैंड का जो हम लेंथ है ये हम क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहां से थीटा की जगह आप ये वैल्यू रख लो, 4π/3 इज इक्वल टू एल का वैल्यू नहीं मालूम है, अपॉन में ये हो गया रेडियस ना, मिनट हैंड का जो लेंथ है वो तो रेडियस हो गया, और ये एल निकालना है यहां से। देखो निकालना भी है कि हाउ फार डज इट टिप्स मूव, मतलब ये जो है ये तो कितना डिस्टेंस मूव कर गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपने को बताना है। तो एल अपॉन आर, आर की जगह 1.5, 1.5। ठीक है, सिंपल इसको तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, 4π/3 और मल्टीप्लाई ये 1.5 इज इक्वल टू एल। अभी ये 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/10, और ये पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, पाई को लिख सकते हैं 22/7, 22/7, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये एकदम कैसा है, सेंटीमीटर में, तो एल भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, कर लोगे।